Hey guys, this is Dev and I welcome you all to All About Pets. आप सभी का स्वागत है All About Pets में और आज बहुत दिनों बाद रैबिट्स की वीडियो बन रही है आप सबके लिए आपके रिक्वेस्ट पे. ये जो केज आपको दिख रहा है ये एक DIY केज है रैबिट के लिए. अंकित भाई ने और उत्कर्ष भाई ने साथ में मिलकर बनाया है. Anyway, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रैबिट की एज एक्सपेक्टेंसी और रैबिट्स के लिए सनलाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे. तो केज है, डोर खुला हुआ है, इनकी मर्जी है, ये बाहर जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, इट्स टोटली अप टू देम. ठीक है. और गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेंसी होती है इनकी वाइल्ड रैबिट्स की, जो बाहर रहते हैं, जो जंगली रैबिट्स होते हैं, उनकी एज एक्सपेक्टेंसी होती है 1 to 2 years, 1 to 2 साल. लेकिन जो नॉर्मल डोमेस्टिकेटेड रैबिट्स हैं, जो पेट रैबिट्स हैं, जो आपके पास पेट्स हैं, उनकी एज एक्सपेक्टेंसी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. इट बिकम्स 5 to 10 years. मतलब एक रैबिट 5 से 10 साल तक जिंदा रह सकता है. ठीक है, अगर आप उसकी अच्छी केयर करें तो, अच्छा डाइट दे तो, और अच्छी इनको सनलाइट मिलती रहे तो. एक और बात, अभी पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंसेस आपको सुनने को मिले, आवाज़ सुनने को मिले, उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ. खैर, मैंने आपको एज एक्सपेक्टेंसी की बात तो मैंने बता दी. ठीक है, मैंने आपको बताया कि 5 से 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं. आप इस ब्राउन वाली रैबिट को देखिए, ये हमारे पास बहुत सालों से है. आई बीन मेकिंग हर वीडियो, बहुत फेमस भी हो गई है ये, इसकी वीडियोस वायरल भी हुई है. और ये भी, इसको भी जो है 1 साल होने वाले हैं, एंड दे लुक वेरी हेल्दी और है भी बहुत ज़्यादा हेल्दी, फर भी न्यू आए इनके. तो आपको देखिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है. पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एक अच्छी डाइट. रैबिट के लिए एक अच्छा डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके रैबिट्स काफ़ी सालों तक जिए, आपके साथ रहें, और रैबिट्स के डाइट पे ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ स्पेशली इनके डाइट पे, और बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे रैबिट्स के डाइट पे. लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स का मैंने ध्यान रखा है, जो मैंने डाइट का ध्यान रखा है, वो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है उसमें मेंशन किए, जो कि हम इंडियंस के पास, आप अगर कहीं भी रह, चाहे आप शहर में रह रहे हैं या आप गाँव में रह रहे हैं, तो आपके पास वो चीज़ें हैं, जो वो इंग्रेडिएंट्स हैं रैबिट्स के डाइट की, वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी. ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत अच्छी है, एंड आपका जो रैबिट है उसके रैबिट को, रैबिट के हेल्थ को और रैबिट के डाइट को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा. तो इस वीडियो को देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा. अदरवाइज ऊपर टॉप राइट हैंड साइड पे आपको एक आई आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए. अब आगे बढ़ते हैं इनके सेकेंड पॉइंट पे. तो अब रैबिट्स को आपने रखा है, ठीक है, हेल्दी लग रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी अच्छा वेट हो तो उसके पास ले जाएं. साल में 1-2 बार तो एटलीस्ट ले जाएं अपने रैबिट्स को, ताकि उनका चेकअप हो जाए, उनकी टीथ का चेकअप हो जाए. ठीक है, और चेकअप से पता चलता है, डॉक्टर्स को, वेट्स को पता चल जाता है कि रैबिट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, आपको डाइट में और क्या देना चाहिए, किस बात क्या नहीं देना चाहिए, तो वो आपको बता देंगे. ठीक है, कई बार ऐसी बीमारी होती है जो आपको दिखती नहीं है बट होती है इनको. ठीक है, एक अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं जो कि सनलाइट. अब सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे रैबिट्स के लिए. ठीक है, रैबिट्स के लिए ही नहीं, किसी भी एनिमल के लिए, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो रैबिट हो, चाहे डॉग हो, चाहे ह्यूमन हो, सबको ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी के लिए, विटामिन डी की. और स्पेशली रैबिट्स को जो है यूवी रेज की ज़रूरत पड़ती है. विटामिन डी आपको पता ही है कि आई साइट में हेल्प करता है. सेकेंडली, अगर इनको विटामिन डी नहीं मिले, अगर इनको धूप ना मिले, तो होता क्या है कि इनके टीथ प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं, इनके बोन्स वीक हो जाते हैं, इनकी हड्डियां वीक हो जाती हैं, टीथ्स जो है आपको देखेंगे कि वीक हो रही हैं, गिर रही हैं, फिर या फिर ज़्यादा ही ग्रो कर रही है. तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. आप कोशिश करें कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, एटलीस्ट 1-1.5 घंटे के लिए अपने रैबिट्स को ले आइए ऊपर छत पे. अभी ठंड का टाइम है तो अभी दोपहर में जो धूप होती है वो नेसेसरी होती है वैसे भी इनके लिए. अगर गर्मियां हैं तो ऑब्वियसली आप हर रोज़ तो बाहर लेके इनको आएंगे नहीं,
लेकिन कोशिश करें कि शाम के टाइम पे जब धूप कम होती है तब उनको लेके आए एक आध घंटे के लिए, ठीक है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने रैबिट्स को बाहर लेके आए, छत पे रखें धूप ताकि उनको लगे और वो हेल्दी रहें। अदरवाइज यार रैबिट्स के जो टीथ होते हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव, ठीक है। अगर वही नहीं रहेंगे, वही अगर खराब हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ बोन्स अगर वीक हो जाती है तो फायदा ही क्या है, तो आपका रैबिट थोड़ी ना जी पाएगा ज़्यादा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगेन इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है तो। सेकेंडली आपने क्या करना है कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है जिसमें मैंने डाइट की बात करी हुई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे न्यू है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एंड ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।